संविधान का अनुच्छेद 108 ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में है, यानी कि जब कभी भी कोई बिल संसद के दोनों सदनों में पास किया जाता है तो प्रोसीजर तो यही होता है कि दोनों सदनों में पास किया जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी एक सदन में पास कर दिया जाता है और दूसरे में पास नहीं हो पाता, या दूसरा सदन जो है उसको पास करना नहीं चाहता, या उसमें 6 महीने का समय बीत गया और उन्होंने पास नहीं किया, तो ऐसी सिचुएशन में ज्वाइंट सिटिंग पार्लियामेंट की जा सकती है। लेकिन ऐसा जो ज्वाइंट सिटिंग है वो मनी बिल के केस में नहीं की जा सकती, और नॉर्मल जो बिल होते हैं, नॉर्मल कानून होते हैं, उनके मामले में, ऑर्डिनरी बिल के मामले में की जाती है। अब इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सिटिंग के लिए कॉल करेगा और उसके बाद ज्वाइंट सिटिंग होगी, और उसके बाद जो है उस ज्वाइंट सिटिंग में जो लोकसभा और राज्यसभा के लोग होंगे उसमें जो बिल रखा जाएगा वो अगर वहां पर प्रेजेंट मेंबर्स की मेजोरिटी से अगर पास होता है तो उसको पास मान लिया जाता है। ज्वाइंट सिटिंग बहुत कम होती है और अभी तक मुश्किल से 3 बार ज्वाइंट सिटिंग हुई है कुछ बिलों को पास करने के लिए, जब कहीं डेडलॉक हो गया है, कोई इश्यू हुआ। नॉर्मल केसेस में और नॉर्मल टाइम में नॉर्मल जो कानून को पास करने की प्रक्रिया है वही अमल में लाई जाती है, और वो अनुच्छेद 107 में दी गई है, और अनुच्छेद 108 स्पेशल केसेस में या ऐसे केसेस में जब कोई कानून पास करना है और हो नहीं पा रहा और उसकी जो कुछ कंडीशंस है, जैसे कि दूसरा जो हाउस है उसको पास नहीं कर रहा, या उसमें उसको 6 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया और वो उसको पेंडिंग रखे हुए हैं, या तो उस तरह के जो इशू आते हैं उसमें ये किया जा सकता है, और ये बड़ा रेयर यूज किया जाता है।